हेलो एवरीवन, आइए आज जानते हैं एक और इकोनॉमिक्स का टॉपिक एंड दिस इज अबाउट द स्टेबलाइजेशन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, यानी इकोनॉमी में इम्बैलेंस की जो सिचुएशंस हैं, उनको दूर करती है। हम सब ये बात जानते हैं कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम अपने गाड़ी की एवरेज या स्पीड को कैलकुलेट करें तो वो सबसे ज़्यादा कब होती है, हाई एरियाज में पहाड़ों पर नहीं, या लो एरियाज में घाटी में नहीं, प्लेन रोड्स पर। ऐसे ही अगर हम इकोनॉमी को इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो ग्रोथ की स्पीड हमारी हाईएस्ट पॉसिबल कब हो सकती है, जब इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशनरी गैप्स होंगे और ना ही डिफ्लेशनरी गैप्स होंगे। इन्फ्लेशनरी गैप्स मतलब बहुत तेजी और डिफ्लेशनरी गैप्स मतलब बहुत मंदी। तो गवर्नमेंट का ये फंक्शन स्टेबलाइजेशन फंक्शन बेसिकली डिजाइन किया जाता है टू अचीव द गोल्स ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट एट अ रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, माने रिसोर्सफुली यूज भी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े, ग्रोथ भी हो, पर साथ ही साथ प्राइस पर लगाम भी पूरी तरह से हमारी मेंटेन रहे, और ऐसा होने पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हो जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। फिस्कल पॉलिसी इज नीडेड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी डू नॉट कम अबाउट ऑटोमेटिकली इन द मार्केट इकोनॉमीज, बिकॉज मार्केट इकोनॉमीज आर ड्रिवन बाय प्राइवेट फोर्सेस। बट पब्लिक पॉलिसी नीड्स टू बी सीन। गवर्नमेंट को प्राइवेट मोटिव या प्राइवेट प्रॉफिट्स या प्राइवेट अर्निंग्स नहीं देखनी, गवर्नमेंट को साथ ही साथ देखना है पब्लिक गाइडेंस, पब्लिक मोटिव। विदाउट इट द इकोनॉमी टेंड्स टू बी सब्जेक्ट टू सब्सटैंशियल फ्लक्चुएशंस। बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आएंगे, कभी इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन होगा, कभी इकोनॉमी में बहुत डिफ्लेशन होगा, और ना तो इन्फ्लेशन में हमारी ग्रोथ मैक्सिमम होगी और ना ही डिफ्लेशन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन इज कंसर्न्ड विद परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमी। हम मैक्रो लेवल पर स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी लेवल पर स्टेबलाइजेशन जब बात करते हैं तो लेबर यूटिलाइजेशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कैपिटल यूटिलाइजेशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ओवरऑल आउटपुट और इनकम में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल्स में स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। इंटरनेशनल पेमेंट मतलब बहुत सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स के पेमेंट्स करने ज़्यादा हो और इम्पोर्ट के लिए हमारे पास नहीं हो, और या इम्पोर्ट की पेमेंट हमें ज़्यादा करनी हो, एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे पास कोई एवेन्यूज ही अवेलेबल ना हो। हमारे एक्सपोर्टेबल्स और इम्पोर्टेबल्स में बैलेंस होना चाहिए, हमारे लेबर और कैपिटल में बैलेंस होना चाहिए, हमारे आउटपुट और इनकम में बैलेंस होना चाहिए, और जनरल प्राइस लेवल में बैलेंस होना चाहिए। ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए और ना ही बहुत डिफ्लेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ ये मेंटेन होगा तो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी बैलेंस होगी, स्थिर होगी। ऐसा नहीं कि कभी किसी वर्ष में बहुत अधिक जीडीपी हो गई और किसी वर्ष में बिल्कुल जीडीपी है ही नहीं। तो ये फंक्शन स्टेबिलिटी लाता है और हमें कॉन्टिगियन इफेक्ट से भी बचाता है। कॉन्टिगियन इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट जो दूसरी कंट्रीज में इन्फ्लेशन और इनस्टेबिलिटी का इफेक्ट हमारी कंट्री पर पड़ता है, जब हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं,
तो हमारी इकोनॉमी में वो इंस्टेबिलिटीज आ जाती हैं जो उनकी इकोनॉमीज में हुई, ट्रांसमिट हो जाती हैं. सो व्हेन द इंस्टेबिलिटी कॉज्ड इन अदर कंट्री गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू अवर कंट्री, दिस इज कॉल्ड कंटिगियस इफेक्ट बिटवीन द कंट्रीज एंड दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड थ्रू स्टेबिलाइजेशन फंक्शन. और गवर्नमेंट इसी फंक्शन को कंट्रोल करती है स्टेबिलाइजेशन एक्टिविटीज के थ्रू, तब जाकर के गवर्नमेंट इन सारी चीजों को स्टेबलाइज कर पाती है. तो गवर्नमेंट का एक फंक्शन स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी के अंदर, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये भी होता है. थैंक यू.